ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 23 पार्ट 2 दादी भोली। हर्षित काका ने दादी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। दादी ने भंडारे में सब कुछ करना सिखाया। जब भी मधुबन में प्रवेश करते हैं तो पहले बाबा के कमरे में और फिर भोली दादी के बैठने का जो स्थान है वहां उनके चरणों में ना बैठे तब तक दिल को आराम नहीं मिलता था। हमारी 67 साल की उम्र है फिर भी भोली दादी के सामने ऐसे ही महसूस होता रहा जैसे कि मैं उसका छोटा बच्चा हूं। हम तो खिचड़ी पकाना भी नहीं जानते थे। दादी ने ही हमें पिछले 35 वर्षों से भोजन टोली कैसे बनाना है, लकड़ी कैसे जलानी है, जले हुए कोयले को कैसे धुलाई करना है, उनमें से काले काले कोयलों को कैसे चुनना है, उनको अंगीठी में कैसे जलाना है, इन सब बातों के साथ साथ यज्ञ के एक एक कणे दाने का महत्व सुनाया। शिव भोलेनाथ के यज्ञ के भंडारे के एक एक कण को बचाते थे तो कणे का घड़ा होता है और कणे कणे का हिसाब भी होता है। दादी ने हमें इकोनॉमी का पाठ, सबको संतुष्ट करने का पाठ, अथक रहने का पाठ सिखाया। हम लोग 2-2 बजे उठते थे। वो सिखाती थी कभी किसी को ना नहीं कहना। जब तक मधुबन में रहे रात का बचा हुआ खाना इतना भी फेंका नहीं। रात को 11 बजे भी खाना गरम करते थे और सुबह उसे मिक्स करके पराठे बनाते थे। बची हुई रोटियों की सेलमानी बनाते थे। टोली संभालना, अचार बनाना सब समझाया। उनके ही आशीर्वाद से 20,000 तक का भी भोजन बना लेते हैं। यदि समय आएगा और 50,000 का भी बनाना पड़ेगा तो हमारे मन में यह नहीं आएगा कि यह कैसे होगा। यह सारी शिक्षा समझानी हमारी भोली मां ने हमें दी और उसके आशीर्वाद से इस उम्र में भी हम भोलेनाथ के भंडारे में सेवा कर रहे हैं। भोली दादी के देह त्याग के बाद दादी जानकी ने मुझे बुलाया। बोली, हर्षित भाई भोली गई। मैंने कहा, दादी मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारी भोली दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी नाक में नलियां पड़े। उसने बिल्कुल सेवा नहीं ली। 11 बजे तकलीफ हुई, 5 बजे ब्लीडिंग हुई, उसे अहमदाबाद ले जाना था। बोली, मुझे अहमदाबाद नहीं मधुबन में ही रहना है। फिर आईसीयू में ले गए और बाबा ने वतन में बुला लिया। हमारी भोली दादी 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ साथ पाठ बजाएगी और सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करेगी। ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। दादी भी वतन में बैठकर हमें देख रही है और हम बच्चों को दुआ दे रही है।
उसकी दुआ हमारे जन्म जन्म के पाप काट देगी, ऐसा मेरा अनुभव है। ज्ञान सरोवर के सुभाष भाई, जो लगभग 20 वर्ष तक भोली दादी के साथ किचन में सेवारत रहे, वे अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जिसे कोई उपमा न दी जाए उसका नाम है मां, जिसकी कोई सीमा नहीं उसका नाम है मां, जिसके प्रेम को कभी पतझड़ स्पर्श न करे उसका नाम है मां। हे महान आत्माओं, प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी है मां। ऐसी थी भोली और अलौकिक भोली दादी मेरी मां। प्यार व दुलार देती थी दादी। जब भी वो भोली सी सूरत याद आती है, सारी यादें स्मृति पटल पर जाग उठती है और आनंद विभोर कर देती है। वो महान विभूति कौन थी जिसका दिल सागर समान अपार था, जिसमें प्यार ही प्यार छलकता था। वो मेरी अलौकिक मां भोली दादी जी थी। मैं स्कूल की छुट्टियों में मधुबन आया। वह सन 1983 के गुड़ी पाड़वे का दिन था, जिसे महाराष्ट्र में नए साल के रूप में मनाते हैं। कुछ दिन सेवा में रुकने का सौभाग्य मिला। मेरे बड़े भाई तुलसाराम जी ने मेरा परिचय भोली दादी जी से कराया। पहली मुलाकात में दादी जी ने हमें इतना प्यार दिया, वात्सल्य का हाथ सिर पर रख दिया, पीठ थपथपाई और मानो सदा काल के लिए अपना बना लिया। जब भी हम वहां से गुजरते, दादी जी को ओम शांति जरूर करते। दादी जी आते जाते कुछ ना कुछ छोटी मोटी सेवा बता देती थी, जिसे हम पलक झपकते ही बड़े ही उमंग उत्साह से पूरा कर देते थे। भोली दादी जी की वो ड्रेस, कुर्ता पजामा और ऊपर से कलर वाला कॉस्ट्रम वाला झब्बा बड़ा ही सुहाना लगता था। हा जी का पाठ, सेवा करते करते 2 मास पूरे हो गए और वापस जाने का समय आ गया। परमात्मा बाप पर निश्चय, मधुबन के प्यार, दादियों के प्यार और भोली दादी जी के असीम प्यार ने मुझे गदगद कर दिया था। भारी कदमों से रोते रोते मैंने और मेरे भाई ने यहां से विदाई ली, लेकिन जो नशा चढ़ा वो घर में भी नहीं उतरा। सेवा का फाउंडेशन भोली दादी जी ने इतना मजबूत कर दिया था कि जैसे ही परीक्षा पूरी होती, मैं मधुबन में दादी जी के पास सेवा में हाजिर हो जाता। भोली दादी जी ने मुझे धीरे धीरे ऑलराउंडर बना दिया। अलग अलग प्रकार की सेवाएं कैसे करनी है, यह दादी जी खुद करके सिखाती थी। दादी जी ने 3:30 बजे अमृत वेले से पहले कोयले की सेगड़ी जलाना, सफाई करना, मक्खन निकालना, भोजन खिलाना आदि सब सिखाया। कभी कभी कोई कार्य मुझसे ठीक तरह से नहीं होता था
तो दादी बार बार समझाती व सिखाती थी। मुझे याद है उस दिन बड़ी दादी जी का क्लास था। मैं क्लास की ओर जा रहा था। उसी समय कुछ मेहमान आए, उनके लिए कुछ बनाना था। मैंने भोली दादी जी से कहा, मैं क्लास में जा रहा हूं। भोली दादी जी ने अपने पास बिठाया और समझाया कि कभी भी सेवा में ना नहीं करना चाहिए। मम्मा कभी भी ना नहीं करती थी। ना माना नास्तिक, ना माना नाक कट जाती है। कभी ना नहीं, हाजी का पाठ बजाना चाहिए। यह सुनाते सुनाते भोली दादी जी का दिल भर आया। बाबा की बातें बताते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं पिघल गया और सदा हाजी का पाठ बजाने का मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया। यह मेरा पहला दृढ़ संकल्प था जो दादी जी द्वारा कराया गया था। कौन सी परिस्थिति में कौन से काम को ज्यादा महत्व देना चाहिए, कौन से काम की ज्यादा जरूरत है और पहले कौन सा काम करना चाहिए, यह हमें भोली दादी जी से सीखने को मिला। मेरे लिए सिफारिश। मधुबन में सन 1986 का रक्षाबंधन का दिन था। राखी बंधवाकर घर वापस जाने का मेरा प्रोग्राम पक्का था। तैयारी भी कर ली थी, लेकिन क्या पता था कि वो रक्षाबंधन का दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी का दिन होने वाला था। प्यारी प्रकाशमणि दादी जी ओम शांति भवन की स्टेज पर राखी बांध रही थी। जब मेरी बारी आई तो दादी जी ने पावरफुल दृष्टि देकर अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर जोर से दबाया और कहा, आज से तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मधुबन में ही रहना है। यह सुनकर खुशी के मारे मानो मेरे पैर धरती पर नहीं थे, मैं उड़ रहा था। मेरी तमन्ना थी कि मैं समर्पित हो जाऊं। वो बाबा ने पूरी की। वहां से मैं भोली दादी के पास कब पहुंचा पता ही नहीं चला। भोली दादी जी के सामने अपनी बात कैसे व्यक्त करूं समझ में नहीं आ रहा था। आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। भोली दादी ने मुझे अपने गले से लगाया, सिर पर पीठ पर प्यार भरे हाथों से थपथपाया और कहा, तुम पास हो गए। बाद में मुझे पता चला कि अमृत वेले के बाद भोली दादी जी भोजन का प्रोग्राम लेने बड़ी दादी जी के पास गई। तभी मेरी सिफारिश की थी कि बच्चा अच्छा है, योगी है, हार्ड वर्कर है, सभी लोग चाहते भी हैं और हमें भोजन परोसने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। भोली दादी जी ने मेरी इतनी जोरदार सिफारिश कर दी,
जो बड़ी दादी जी ने हमें रक्षाबंधन के अवसर पर इतना बड़ा तोहफा दिया। भोली दादी सदा ही गुप्त रही, उनको कभी स्टेज की माया ने स्पर्श तक नहीं किया, ना कोई भाषण, ना कोई मान शान की इच्छा। बस इतना कहती थी, बाबा देखता है, बाबा मेरे साथ रहता है। जो दादी जी ने कहा मानो बाबा ने कहा। बस बाबा का मंत्र ही है, कभी ना नहीं कहना, हां जी का पाठ सदा पक्का करना। दादियों ने बनाई कढ़ी, मधुबन में भोजन खिलाने की सेवा भूरी दादी जी के पास थी। जब कभी भोजन कम पड़ता था हम तुरंत भोली दादी जी के पास पहुंच जाते और वे कहती, जाओ रोटी बनाने वाले को बुलाओ, माताओं को बुलाओ। भोजन कम होता तो कहती, देवू भाई को बुलाओ। जब तक भोजन बने भोली दादी जी अपने पास जो कुछ होता था सब दे देती थी। भोली दादी जी के मन में रहता था कि बाबा के भंडारे से कोई भूखा ना जाए। एक दिन की बात है, भोली दादी जी भंडारे में सेगड़ी पर कढ़ी बनवा रही थी, मुझसे एक एक सामान मंगवा रही थी, क्योंकि जब दाल कम पड़ जाए तो कढ़ी बनाना ही सहज होता है। करीब 2 बजे का समय था, उधर से बड़ी दादी जी, गुलजार दादी जी, जानकी दादी जी, ईशु दादी जी, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, लच्छू दादी, सभी दादियों का झुंड किचन में आया। बड़ी दादी जी ने पूछा, भोली क्या बना रही हो? भोली दादी जी ने कहा, दाल कम पड़ गई है इसलिए कढ़ी बना रहे हैं। फिर क्या था, बड़ी दादी जी ने अपने हाथ में कड़छी ली, कोई दादी नमक डाल रही है तो कोई कुछ, माना सभी दादियों ने मिलकर कढ़ी बनाई। सभी दादियां इतनी खुश दिखाई दे रही थी, सचमुच वो देखने जैसा दृश्य था। बड़ी दादी जी ने कहा, हां भोली हमारे लिए इस लड़के के हाथ कढ़ी भेजना। उस अन्नपूर्णा के डेगरे से कितने लोगों ने कढ़ी खाई, सभी जो भी उधर थे, जिन्होंने खाना खा भी लिया था उन्होंने भी कढ़ी पी, इसलिए कि दादियों ने कढ़ी बनाई है। दूसरे दिन यह बात ओम शांति भवन की क्लास में सबके सामने सुनाई गई। सही समय सही निर्णय। एक दिन की बात है, दिन का भोजन लिफ्ट से चढ़ाना था और लिफ्ट खराब हो गई थी। हम सब उसे ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे लेकिन ठीक नहीं हुई। अब 12:05 बाकी थे। मैं भोली दादी जी के पास हाफते दौड़ते पहुंचा और लिफ्ट की बात सुनाई। भोली दादी जी खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जाओ बड़ी दादी के पास यह बात सुनाओ। मैं बड़ी दादी जी के ऑफिस की तरफ दौड़ा।
उस समय दादी जी कोई पत्र पढ़ रही थी। जैसे ही मैं गया, दादी जी ने पूछा, बोलो क्या हुआ? मैंने कहा, दादी जी लिफ्ट खराब हो गई है, भोजन डाइनिंग में पहुंचा नहीं है। दादी जी तुरंत उठकर खड़ी हुई, मेरे साथ भंडारे में आई और वहां मौजूद सभी भाइयों को कहा, चलो चलो पांडव, जाओ नीचे किचन से भोजन ऊपर लाओ। दादी जी का कहना और करीब 25 पांडव किचन में दौड़े, एक साथ 5 मिनट में भोजन ऊपर पहुंचा दिया तथा ठीक 12 बजे भोजन खिलाने की तैयारी हुई। तब भोली दादी जी ने बड़ी दादी जी को कहा, थैंक्स दादी, थैंक्स दादी। बड़ी दादी जी ने भोली दादी जी को छोटे बच्चों को जैसे गले लगाते हैं वैसे गले लगाया। वो दृश्य भी बड़ा ही प्यारा, रमणीक और देखने जैसा था। कोई भी बात होती थी या कोई भी काम होता था या कोई गलती होती थी या फिर घर जाने की छुट्टी लेनी होती थी, हम भोली दादी को ही कहते थे। भोली दादी जी बड़ी दादी जी से बात कर हमारा काम आसान कर देती थी। लौकिक मां से चिट चैट। मेरी लौकिक मां जब भी मधुबन आती थी, अनाज की छोटी छोटी गठरियां ले आती थी। एक बार की बात है, जब मां मधुबन आई तो साथ में 10-12 गठरियां ले आई, जिनमें दालें, चावल, गेहूं, चीनी आदि थे। मैं माताजी को भोली दादी जी के पास ले गया। उन्होंने वो गठड़ियां भोली दादी जी को दी। दादी बहुत खुश हुई, मेरी लौकिक मां को बहुत प्यार किया और कहा, देखो बुढ़िया बाबा को कितना प्यार करती है। फिर भोली दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बैठो। अपने पास बिठाकर मुझे भी बहुत प्यार किया और माता जी को चिढ़ाने लगी, सुभाष मेरा है, मैंने उसे इतना बड़ा किया है, ऑलराउंडर बनाया है। भोली दादी जी देखना चाहती थी कि लौकिक मां का मेरे में कितना मोह है। मां ने कहा, यह तो बाबा का है, बाबा की सेवा करेगा। यह सुनकर भोली दादी जी बहुत खुश हुई। तब लौकिक मां ने कहा, अच्छा इसे बाबा के घर से इतना प्यार और दुलार मिलता है, इसलिए इसे लौकिक घर की कभी याद नहीं आई। दादी मक्खन खिलाती थी, मुझे दादी जी ने मक्खन निकालना सिखाया। पहले तो हम चित्रों में श्री कृष्ण को मक्खन खाते हुए देखा करते थे, लेकिन भोली दादी जी ने मुझे दही मत कर मक्खन निकालना सिखाया। कभी कभी मक्खन निकलता ही नहीं था, मैं बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि बार बार रस्सी खींचने से बाहें बहुत दर्द करने लगती थी। तब स्वयं भोली दादी मेरे साथ बैठकर बड़े प्यार से मक्खन निकालती थी। मुझे मक्खन अच्छा नहीं लगता था,
क्योंकि मैं निकालता था तो खाने की इच्छा नहीं होती थी। एक दिन भोली दादी जी ने अपने पास बिठाकर एक कटोरी में मक्खन और चीनी का बूरा मिलाकर कहा, लो यह खा लो। मैंने कहा, दादी जी मुझे मक्खन अच्छा नहीं लगता। दादी जी ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें तो पहलवान बनना है, तुम मक्खन खाएंगे तो ताकत आएगी, तब तो बाबा के घर की सेवा करेगा। फिर मैंने धीरे धीरे मक्खन खाना शुरू किया, कभी चीनी के साथ तो कभी रोटी के साथ। कभी कभी मैं मक्खन खाना भूल भी जाता था तो दादी जी बुलाकर कहती, आज मक्खन नहीं खाया, ऐसे भूलना नहीं, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। सुप्रीम सर्जन बाबा। एक बार की बात है, भोली दादी जी बहुत बीमार हुई। यह सन 1990 की बात होगी। दादी जी को डॉक्टर ने अहमदाबाद ले जाने के लिए कहा, लेकिन भोली दादी जी मधुबन से दूर नहीं जाना चाहती थी। उस समय अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे। भोली दादी जी को बाप दादा से मिलाने लेकर गए। भोली दादी बाप दादा से गले मिली और बाबा को कहा, बाबा मुझे अहमदाबाद मत भेजो। और दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। बाप दादा ने भोली दादी जी को बहुत प्यार किया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, बच्ची तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बाबा ने दादी के हाथ में टोली दी और कहा, इसे खा लो, ठीक हो जाओगी। और सचमुच दूसरे दिन सुबह दादी जी एकदम पहले जैसी ठीक हो गई। सच बात तो यह थी कि भोली दादी का बाप दादा से इतना प्यार और उनमें इतना विश्वास था कि स्वयं बाबा भी दिल के प्यार में बंधा हुआ था। और टोली में इतनी शक्ति और प्यार भरा जो दादी जी एकदम ठीक हो गई, क्योंकि बाबा तो सुप्रीम सर्जन है। किसको क्या चाहिए, दादी जी सबका ध्यान रखती थी। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी। हर एक में कोई ना कोई खासियत होती है, किंतु ये सारी विशेषताएं हमने प्यारी भोली दादी जी आप में देखी। कौन शुगर का पेशेंट है, किसको किस चीज की परहेज है, किसको क्या अच्छा लगता है, कोई गेस्ट आया है तो उसे क्या भोजन देना है, इस प्रकार भोली दादी जी पूरा ध्यान रखती थी। रास्ते का भोजन भी देती थी। सबको पूछती थी, भोजन किया, कुछ चाहिए। एक बार की बात है, एक पार्टी सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर पहुंची, क्योंकि बस 6 बजे की थी। उस समय भोजन तैयार नहीं हुआ था। जब रास्ते का भोजन तैयार हुआ तो भोली दादी जी ने मुझे भोजन देकर
एक साइकिल पर बस स्टैंड भेजा। वहां पहुंचा तो सभी लोग बस में बैठ चुके थे। मैंने कहा, भोली दादी जी ने रास्ते का भोजन भेजा है। तो सब इतने खुश हुए कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और कहा, दादी जी को और बाबा को थैंक्स देना। अव्यक्त बाप दादा ने एक मुरली में विशेष रूप से भोली दादी जी को याद किया। मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा ने कहा, जैसे बड़ी दादियों से लोग मिलते हैं वैसे ही भोली दादी जी को भी मिलते हैं। उनकी सेवा की विशेषता के कारण दादियों के साथ साथ भोली दादी जी का भी नाम आता है। बिछुड़ने के दिन, देखते ही देखते 10-12 वर्ष मधुबन व दादियों के संग भोली दादी जी की छत्र छाया में यूं ही बीत गए। और अब समय आया बिछुड़ने का, क्योंकि साल गांव में जमीन ली थी और काम भी शुरू हो गया था। वहां सन 1995 में जब किचन की नींव डालनी थी तब भोली दादी जी को साथ लाए थे। फिर किचन भी बनकर तैयार हो गया। मैं रोज ज्ञान सरोवर आता था और निर्माण कार्य की जो जरूरी बातें भोली दादी जी व सूर्य भाई बताते थे वे हम इंजीनियर को बता देते थे। जब किचन का उद्घाटन होने वाला था तब किचन, डाइनिंग आदि सजकर मानो आलीशान महल लगने लगे। इस सुहावने समय में सभी किचन वालों ने खास रिक्वेस्ट भोली दादी जी से की कि आपको चलना ही है। सभी के आग्रह से भोली दादी जी भंडारे में आई तो देखती ही रह गई। वाह, कितना अच्छा बनाया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे सुंदर अवसर पर सभी महारथियों की उपस्थिति थी। सभी दादियां और बड़ी दादी जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सभी ने बहुत ही उमंग उत्साह से किचन का उद्घाटन किया। उसके बाद भोली दादी जी कभी ज्ञान सरोवर नहीं आई। कई बार चलने के लिए कहने पर वो कहती थी, बस बाबा ने जहां बिठाया है वही ठीक है। भोली दादी जी ज्ञान सरोवर को शालिग्राम कहती थी। पहले तो साल गांव, उसके बाद शालिग्राम कहने लगी। कभी कभी कहती थी, मेरे अच्छे अच्छे हैंड शालिग्राम ले गया है, क्योंकि सूर्य भाई के साथ कुछ किचन के पुराने भाई यहां की व्यवस्था संभालने के लिए आए थे, जो वहां जिम्मेवारी अच्छी संभालते थे। इस कारण भी कभी भोली दादी को दुख होता था। हम जब भी मधुबन जाते भोली दादी जी को अवश्य मिलते। कभी भूल से या अन्य किसी कारण से नहीं मिल पाते तो मन खाता था। भोली दादी नहीं तो सती दादी जी से ही मिलकर आते थे। जब भी भोली दादी से मिलते वे कुछ ना कुछ ज्ञान सरोवर किचन के लिए देती थी और कहती थी,
मेरा लुढ़ना वापस लाना और याद रहने के लिए एक चिमटी लगाती। जब दादी जी के पास समय होता तो वो अपने पास बिठाती और किचन के बारे में सब बातें पूछती। जब उसका दिल भर आता तो पूछती, तुम्हारा मन वहां लगता है? तुम्हारा मन नहीं लगता तो मेरे पास आना। शुरू शुरू में मेरा मन भी ज्ञान सरोवर में नहीं लगता था। बीच बीच में मधुबन भाग जाता था। करीब 2 साल तक मैं मधुबन में रात्रि सोने के लिए जाता था, अमृत वेला कर फिर सुबह वापस ज्ञान सरोवर आता था। लेकिन जैसे जैसे सेवाओं का फोर्स बढ़ा, मधुबन जाने का समय ही नहीं मिल पाता था। काफी दिनों के बाद जब मधुबन भोली दादी जी के पास डरते डरते जाता तो भोली दादी मुझे छिड़क कर कहती, दूर जाओ दूर जाओ, यहां तुम्हारा क्या है, यहां तुम्हारा कोई नहीं है। और उसकी आंखों में पानी आता। वो देख मेरी आंखें भी भर जाती। फिर दादी जी अपने गले लगाती और प्यार से पीठ पर, गाल पर हल्के हाथों से थपथपाती, जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं। फिर कहती, तुम बहुत कठोर हो गए हो, तुम्हें संग तो अच्छा है ना, तुम मेरे पास नहीं बाबा के कमरे में तो आया करो। ऐसी काफी रूह रिहान होती थी। फिर कुछ खिलाती थी, कुछ सेवा होती तो बताती थी, फिर कुछ सब्जी आदि देकर भोजन कराकर ही भेजती थी। सच ऐसी मां कहां मिलेगी जिसका दिल सागर समान अपार हो। भोली दादी जी की अंतिम अवस्था। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो बहाए नहीं जाते, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो गाए नहीं जाते, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं जाते। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतनी महान आत्मा चलते फिरते बाबा के पास इतनी जल्दी जाएगी। कभी कभी हमें भी संकल्प चलता था कि भोली दादी जी ने इतनी सेवा की है, उनकी अंतिम घड़ियां सुखद होनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अचानक एक दिन भोली दादी जी की तबीयत ज्यादा खराब हुई। दादी जी को तुरंत ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तबीयत नाजुक थी लेकिन तुरंत इलाज के कारण नॉर्मल हुई। मधुबन किचन के देवू भाई जब भोजन बनाकर 1 बजे भोली दादी से मिलने गए तो दादी जी का दिल भर आया। देवू भाई का जोर से हाथ पकड़कर कहा, देवू मुझे अहमदाबाद नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मानो भोली दादी जी को अपने अंतिम समय का एहसास हुआ हो। फिर भी डॉक्टर लोगों ने मिलकर निश्चित किया कि कल सुबह दादी जी को लेकर अहमदाबाद जाएंगे। शाम तक दादी जी बिल्कुल ठीक हुई, सभी को प्यार से मिलती, हाथ में हाथ मिलाती, किसी के गाल पर हाथ घुमाती, थैंक्स थैंक्स कहती।
देवू भाई ने दादी जी को प्यार से समझाया कि दादी जी बस जाना और आना, अहमदाबाद में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अंदर से दादी जी का मन नहीं मान रहा था। शाम को 7:30 बजे भोली दादी जी को अहमदाबाद ले जाने के लिए एम्बुलेंस में चढ़ाने की तैयारी हो गई, लेकिन दादी जी के दिल की पुकार थी कि मेरा शरीर यहीं छूट जाए। सो एम्बुलेंस चलने के पहले दादी जी को उल्टी हुई, तुरंत उन्हें उतारा गया और इस पावन धरा से पंछी उड़कर बाबा की गोद में समा गया। मानो दादी जी को पता ही नहीं चला कि वो शरीर छोड़कर सदा के लिए वतन में उड़ गई। कितनी बड़ी बात है, कई लोग शरीर के बंधन से निकलने के लिए पुकारते हैं, बाबा बस करो, अब मुझे ले चलो। और यहां भोली दादी जी चलते फिरते हंसते खेलते किसी की सेवा लेने से भी मुक्त, मानो प्रकृति पर जीत पाकर बाबा के सच्चे सपूत बच्चे का सबूत देकर गई। आज भी मधुबन जाते हैं तो लगता है कि उस छोटी सी गली में दादी जी उपस्थित हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है, वो प्यारी प्यारी भोली दादी जी सदा के लिए बाबा की गोद में समा गई। ओम शांति।